नमस्कार जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का नई वीडियो के साथ में आज का टॉपिक लेके आया हूँ मैं कि आपने चक्की तो चुन ली कि आपको कौन सी चक्की लेना चाहते हैं, कौन सी चक्की में आपको मज़ा आएगा, कौन सी अच्छी चक्की आपको अच्छी रहेगी। आपने चक्की तो चुन ली 16 इंची, 18 इंची, 20 इंची या 22 इंची या 24 इंची, तो आपको ये पता नहीं होता कि उसमें मोटर कौन सी लगाए। तो उसके लिए पूरी जानकारी दूंगा, बने रहिए वीडियो में। कितने हॉर्स पावर की मोटर कौन सी चक्की पर लगाएं, सब कुछ शायद किसी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूँगा आपके लिए। अगर किसी से आप पूछोगे, किसी चक्की वाले से पूछोगे, तो आपको सही राय नहीं देगा कि आप कौन सी मोटर लगाएं। फिर बाद में दिक्कत आती है कि कौन सी मोटर लगानी चाहिए थी। कुछ दिन चलाने के बाद में आपको पता चलता है कि हमें कौन सी मोटर लगानी चाहिए थी, क्या परेशानी आ रही है छोटी मोटर लगाने से या बड़ी मोटर लगाने से। तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ कि आप किसी मिस्त्री से भी पूछेंगे जाकर के भी हमें कौन सी मोटर लगानी चाहिए, आप किसी चक्की वाले से पूछेंगे तो वो आपको सही जानकारी नहीं देगा, शायद कोई देगा। तो आप YouTube पर जानकारी लेंगे तो आपको शायद सही जानकारी मिल जाए। तो मैं आपको बता दूँ, आप अगर 16 इंची की चक्की आप स्टार्टिंग से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि छोटा काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 16 इंची में तो खड़ी चक्की आती हैं, और खड़ी चक्की में आप 5 हॉर्स पावर की मोटर 3 फेज की 960 RPM में लगा सकते हैं, उस पर चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप 18 इंची कर सकते हैं, उसमें 7.5 की लगा सकते हैं, वो भी चल जाएगी। पर एक बजाय एक रीज़न है उसका कि आप अगर जैसे कि आपका नया काम लगाया है, आपका नया काम लगाया है, अभी काम स्टार्ट होने में आपका काम, मैं दुआ करता हूँ कि सभी का काम अच्छा चले, आपका काम अच्छा चला है, उसके बाद में आपको मोटर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब छोटी मोटर होगी और छोटी चक्की होगी तो दिक्कत आएगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास काम ज़्यादा आएगा और आपकी मोटर जो है वो छोटी पड़ जाएगी। तो आप ज़्यादा जब ज़्यादा लोड लेंगे तो मोटर आपकी जलेगी, ये दिक्कत बनी रहेगी इस चीज़ में। तो आपको मैं बताऊंगा कौन सी मोटर ले, तो आप पहले तो बता दूं मैं आपको, आप अगर खड़ी चक्की लेना चाहते हैं तो 16 इंची 18 इंची ले सकते हैं, अगर आप पट चक्की मेरी तरह लेना चाहते हैं तो 20 इंची की चक्की कम से कम छोटी छोटी लगाएं, क्योंकि अगर पट चक्की में 20 इंची से छोटी चक्की नहीं लगाएं, और पट चक्की है वो 20 इंची छोटी चक्की लगाएं, और 20 इंची छोटी चक्की में आप 10 HP की मोटर लगाएं, क्योंकि आपकी 10 HP की जो मोटर है आपका काम बढ़ जाए, तो आप चक्की मोटर को चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ चक्की चेंज करनी है। आप 20 इंची की जगह हटा करके 24 इंची चक्की चेंज कर सकते हैं। और आप जैसे कि आपकी खड़ी चक्की है, तो खड़ी चक्की में आपको क्या करना है, खड़ी चक्की में आपको 16 इंची की है या 18 इंची की है या आप 20 इंची की चक्की लगाना चाहते हैं, तो आप उसमें 10 HP की मोटर लगाएं, ताकि जो आने वाले समय में भी आपको फ़ायदा दे, क्योंकि 10 HP की मोटर आज के ज़माने में ज़्यादातर यूज होने वाली मोटर है, क्योंकि हर एक काम में 10 HP चलती है, चाहे एक्सपिलर चलाओ, चाहे धान पॉलिशर चलाओ, चाहे चक्की चलाओ, सभी काम में काम वो आ जाती है 10 HP की मोटर। और 10 HP की मोटर आप एक बार में ही ले लेंगे, चाहे आप 16 इंची की चक्की लगाएं लेकिन 10 HP की मोटर ले लें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपका बहुत ही अच्छा काम रहेगा। आपको जब भी कोई काम बढ़ता है भविष्य में, तो मैं दुआ करूंगा कि आपको भविष्य में अच्छा काम रहे आपका, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो। तो आपको सिर्फ चक्की चेंज करनी पड़ेगी, मोटर आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो आप चाहे चक्की स्टार्टिंग में 16 इंची लगाएं खड़ी वाली, चाहे 18 इंची खड़ी वाली लगाएं, अगर पट चक्की लगाना चाहते हैं तो 20 इंची की ही लगाएं, उससे छोटी चक्की नहीं लगाएं। उसका रीज़न होता है, अगर आप जैसे कि आप 20 इंची से अगर छोटी चक्की लगाते हैं खड़ी पट चक्की में, तो आप जैसे कि क्या करते हैं, पट्टे से लगाना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें नीचे जाकर के स्पेस कम हो जाता है, पुली पर पटा अगर बड़ी पुली डालोगे तो उसमें पटा ढंग से नहीं चल पाता है, वो तो सिर्फ घरेलू मटेरियल के लिए पट चक्की में होती है। अब आप कोई काम करना चाहते हैं तो 20 इंची की चक्की आप लगा सकते हैं पट चक्की में, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा, आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी 20 इंची। अब 20 इंची से भी ज़्यादा आपको कोई काम आ रहा है, माना कि आपका काम 10 क्विंटल से भी ज़्यादा काम आ रहा है माना कि, तो आपको 24 इंची की चक्की आप लगा सकते हैं, मोटर आपकी 10 HP की ही काम करेगी, 16 इंची से लेकर के 24 इंची तक 10 HP काम बरकरार कर सकती है। आप मोटर कितने RPM की लेनी चाहिए वो भी आपको बता दूँ, आपकी जो मोटर जो लगाएंगे वो आप 960 RPM की मोटर लगाएं, मैं किसी कंपनी का नाम लूँगा, किसी कंपनी लगाएं, क्योंकि जो कंपनी आपको पसंद आए वो कंपनी लगाएं, पर 960 RPM लगाएं, क्योंकि इसका जो होती है वो एकदम स्लो चलती है बिल्कुल,
और स्लो में हल्की मोटर चलती है उससे अच्छा रहता है, और जो 1440 की है वो ज़्यादा तेज मोटर चलती है। और चक्की को चला रहा हूँ मैं इस चीज़ को लिए, तो चक्की को जो एक्सपीरियंस मुझे रहा है, मैंने 1440 भी लगा के देखी है और 960 भी लगा के देखी है, दोनों ही कुल मिला के सही है, पर जो 960 की टक्कर देती है मोटर वो 1440 नहीं देती है चक्की पर। आप उसको जो हैवी वाले जो होते हैं जैसे एक्सप्लोरर है उस पर लगा सकते हैं आपको, और जो धान परिसर है उस पर आप 960 की 1440 की लगा सकते हैं। नौ चक्की के लिए 960 की मोटर जो है वो बेस्ट है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं किसी के वो नहीं कह रहा हूँ कि कैसे क्या है। कुछ लोग कहते हैं भाई 1440 अच्छी है 960 नहीं है, तो उनका एक अपना खुद का है, जैसे मेरा खुद का है जैसे उनका अपना एक खुद का। तो आपके कामकाज के लिए आपको 10 HP मोटर बहुत अच्छी रहेगी, आप जैसे आपका कामकाज बढ़ेगा उस हिसाब से आपकी 10 HP मोटर बहुत अच्छी रहेगी। आप 10 HP की मोटर लगाएं और 960 RPM में लगाएं, बहुत ही अच्छी रहेगी। और जो खड़ी चक्की होती हैं उनका जो पट्टा होता है वो हमेशा साइड से चलता है, तो साइड से सीधा पट्टा चलता है एकदम सीधा, तो सीधे पट्टे में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे आप 16 इंची लगाएं चाहे 18 इंची लगाएं, आराम से उसका सेंटर आप बना सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। और जो अपनी 20 इंची पट चक्की होती है वो 20 इंची से अगर छोटी लेंगे तो उसकी जो एंगल खड़ी होती है तो वो उसकी जो एंगल की स्पेस जो है वो कम बचता है। हम बड़ी पुली उसमें चेंज करना चाहें तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, पटा की जो क्लिप होती हैं वो पत्ती से अड़ करके चलती हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप पट्टा चक्की लगाना चाहते हैं तो 20 इंची से छोटी ना लगाएं, और खड़ी चक्की तो आप 16 इंची 18 इंची 20 इंची जो आपका मन करे वो लगा सकते हैं। आप जब 7.5 HP की मोटर लेंगे तो उसमें भी पैसे डालेंगे, या 5 HP की लेंगे उसमें भी पैसे डालेंगे, और 10 HP की मोटर एक बार महंगी पड़ेगी आपको, शायद आपको 7-8 हज़ार महंगी पड़ जाए, तो वो आपको शुरू से लेकर के एंड तक आपको हमेशा काम आती रहेगी। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद जय भारत।